केंद्रीय मंत्री व भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को गोरखपुर में सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि डिंपल यादव में ज्ञान की कमी है, इसलिए उन्होंने भगवा रंग का अपमान किया। डिंपल को अपने शब्दों को वापस लेकर उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे संत समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 325 सीटें जीतकर यूपी में मुख्यमंत्री बने हैं। मीडिया सेंटर में कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पहले चार चरणों में सपा बसपा और कांग्रेस की सफाई हो गई है। अखिलेश के कैंडिडेट की सूची में जेल वाले बेल वाले ही थे, इससे साफ हो गया है कि ये वही सपा है, वही हवा है। तब जनता ने मन बना लिया कि करना इनको दफा है। पिछले 5 सालों में योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश ने यह देखा है कि गुंडा राज माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्या होती है, और इसलिए कैराना से लेकर काशी तक पहले से लेकर 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के पक्ष में मतदान कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश से गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को संसद और सर्वोच्च स्थान तक बिठाने का काम हुआ हो, उस गांधी परिवार का नामो निशान तक यहाँ नहीं दिखता। उसी उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति पंजाब के मुख्यमंत्री ने जब टिप्पणी की, उस समय प्रियंका गांधी वही मंच पर मौजूद थी। ऐसे में क्या मुंह लेकर कांग्रेस यहां वोट मांगने आई है? सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता द्वारा अपहरण हत्या पर चुप रहे। अहमदाबाद बम धमाकों के फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया, लेकिन आतंकवादियों को फांसी लगने से अखिलेश खुश नहीं थे, वह इस पर भी चुप रहे। उस आतंकवादी के पिता का कई बार चित्र अखिलेश यादव के साथ आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि योगी ने 5 साल तक सपा का फैलाया गुंडा राज खत्म करने का काम किया। उन्होंने योगी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि हमने महिला को सुरक्षा सम्मान व अधिकार देने का काम किया, गरीबों को 43 लाख पक्का मकान दिया, आने वाले दिनों में हम सभी घुमंतु अनुसूचित सभी बेघरों को पक्का मकान देंगे, सभी घरों को बिजली LED दिया, कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 देंगे, सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए देंगे, स्मार्ट क्लास की सुविधा देंगे। उन्होंने कहा कि गुंडा राज के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की है और इसके खिलाफ और दृढ़ता के साथ योगी सरकार अगले 5 वर्षों में कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरनगर से लेकर मऊ तक के दंगे वालों को माफ नहीं, साफ करने का काम योगी सरकार ने किया है और यह सफाई अभियान अगले 5 वर्षों तक चलता रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आतंकवाद और देश की सुरक्षा के मुद्दों पर जवाब नहीं दे रहे हैं, सपा आतंकवादियों के साथ नजर आती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के सूचना प्रसारण व खेल मंत्री और प्रदेश भाजपा के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा, ये अच्छा पूरी तैयारी के साथ टीम खड़ी की है। धन्यवाद सर। मित्रों, आज मुझे सौभाग्य ऑडियो टेस्ट कर लिए उस क्षेत्र में प्रेस वार्ता करने का मिल रहा है, जिस भूमि पर न केवल देश बल्कि देश से बाहर विदेश से भी लाखों लोग, जहां एक और श्रद्धा की भावना से आते हैं, वहीं पर अब इस जिला से प्रदेश के बहुत सारे जिलों के लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी एम्स की सुविधा के लिए आते हैं। यहाँ के फर्टिलाइजर प्लांट से न केवल प्रदेश बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी किसानों को फर्टिलाइजर्स देने का काम होता है। जो आज से 5 साल पहले था ही नहीं, अब बंद पड़ा था, एम्स था नहीं, फर्टिलाइजर प्लांट बंद पड़ा था, और बाकी सड़कें में तो बहुत वर्षों से गोरखपुर भी आया, सिद्धार्थनगर, बस्ती और कई क्षेत्रों में यहाँ से कार्यक्रम करने भी गया। पहले तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ से लगातार
योगी जी को 5 बार सांसद और फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पहले 4 चरण पूरे होने के बाद मैं कह सकता हूं कि 4 चरणों में सपा बसपा कांग्रेस आई की सफाई करने का काम हुआ है। कुछ हवा बनाने का प्रयास अखिलेश जी ने शुरू में किया, लेकिन जब मीडिया के सामने पहली लिस्ट उनकी आई तो कैंडिडेट की सूची में जेल वाले बेल वाले ही थे और उससे साफ हो गया था कि ये वही सपा है, वही हवा है और जनता ने भी मन बना लिया था कि करना इनको दफा है। और 4 चरणों के बाद कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगों के जो नाम आते थे वो इनकी सूची के ऊपर आते हैं, लेकिन लोगों ने 5 सालों में पिछले योगी जी की सरकार में देखा कि गुंडा राज माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्या होती और इसीलिए केराना से लेकर काशी तक आप देखोगे, पहले चरण से 7वें चरण तक देखोगे, मोदी जी योगी जी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर मतदान कर रही है। कुछ सवाल बसपा सपा के सामने खड़े हुए क्योंकि कांग्रेस तो आई गई पता ही नहीं चलता आई भी कि नहीं गई। जिस प्रदेश से गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को संसद और सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का काम हुआ हो वो गांधी परिवार का नामो निशान यहां पर नहीं दिखता है जी। और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो टिप्पणी पंजाब के मुख्यमंत्री ने की और दुर्भाग्य उससे ज्यादा ये था कि प्रियंका जी उसी मंच पर थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, तालियां बजा रही थी, उत्तर प्रदेश में क्या मुंह लेकर वो वोट मांगने आई। बसपा आज भी अपने भ्रष्टाचार का जवाब बहन जी आज तक दे नहीं पा रही। जहां तक सपा की बात है, पार्टी और परिवार के बहुत सारे लोग उनके छोड़ के चले गए, पूर्व मंत्री से लेकर सिटिंग विधायक एमएलसी तक समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे 100 से ज्यादा एमएलसी एमएलए मंत्री सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री बसपा सपा कांग्रेस आई से भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुए और सैकड़ों ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर संगठन में थे या अलग अलग चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में थे। अब इसके बाद अखिलेश जी की बौखलाहट तो थी, पहला जवाब नहीं दे पाए थे जेल और बेल का जो पहली सूची में नजर आया था, वो उम्मीदवार कम थे, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। और जब ये सवाल पूछा तो अखिलेश जी के पास उत्तर कोई नहीं था, आगे से सूची आनी बंद हो गई। दूसरा चरण आया तो उन्नाव की घटना के साथ दूसरा प्रश्न आया कि दलित की बेटी का अपहरण और एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए अखिलेश जी के सामने जाती है। अखिलेश जी की सरकार में सुनवाई और कार्रवाई तो नहीं होती थी, लेकिन आज सुनवाई तो अखिलेश जी कर सकते थे तो एक दलित की बेटी की जान बच जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने अपहरण भी किया, उसकी हत्या भी की, पुलिस ने कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया। अखिलेश जी उस पर भी चुप रहे। दूसरी घटना है, पहली जेल बेल, दूसरी दलित बेटी की अपहरण और हत्या सपा के नेता के द्वारा। तीसरा, अहमदाबाद बम धमाकों में न्यायालय का फैसला आया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया, अखिलेश यादव जी फिर चुप। क्यों?
क्या अखिलेश यादव जी आतंकवादियों को फांसी लगने से खुश नहीं है? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस आतंकवादी के सीधे तार अखिलेश जी और इनकी पार्टी के साथ जुड़े थे। उस आतंकी के पिता का एक बार नहीं, कई बार चित्र मुख्यमंत्री के निवास का बाहर आया है। अखिलेश जी सवाल यह था कि बिरयानी खाने के लिए बुलाया था कि कोई और कारण था? अखिलेश जी उस पर भी चुप रहे। चौथी घटना, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जिनके घर में उनका ही भांजा रहता है रंगेश, जहरीली शराब बेचता है, 10 लोगों की जान चले जाती, कई अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये रंगेश अखिलेश का खेल सामने आता है, जहरीली शराब का, कई लोगों की जान जाती, लेकिन अखिलेश यादव फिर चुप रहते हैं। अखिलेश जी, ये चारों मुद्दों पर आप चुप रहते हो, चार चरणों में आपके अलावा आपकी पार्टी और परिवार से कोई और नजर नहीं आता, पांचवें चरण में अचानक से डिंपल जी प्रकट होती हैं और वो जंग लगी हुई बात करती हैं। इस पे मेरी दो बातें हैं, जो ज्यादा देर तक ना चले, दिखे, सब कुछ हो, जंग उसको लगता है। और पांचवें चरण में कौन प्रकट हुआ तो आपको पूछना चाहिए कि जंग किसको लगा था। और दूसरा, भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक सपा का फैलाया गुंडा राज, माफिया राज खत्म करने का उन्होंने काम किया, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया, गरीबों को 43 लाख पक्के मकान दिए, और आने वाले समय में हम हर गरीब को, हर बेघर को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, घुमंतु या अन्य गरीब हो, उनको पक्का मकान बनाकर देंगे। सभी घरों को बिजली, हर गांव को बिजली दी, LED के बल्ब दिए, 1,86,00,000 बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन उज्ज्वला में दिया, अब होली दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, 60 साल से ज्यादा की आयु की महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा देंगे, कन्या सुमंगला योजना को 15,000 की बजाय 25,000 बेटियों को देंगे, सामूहिक विवाह योजना में बेटियों को 1,00,000 रुपए की राशि देंगे जो पहले 50,000 रुपए मिलती थी, 50,00,000 बहनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर 5,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, और 1 करोड़ से ज्यादा बहनें जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उनको 1,00,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड न्यूनतम ब्याज दर पे देंगे, ताकि हमारी बहनें को भी सशक्तिकरण हो, हाथ ना फैलाने पड़े, कहीं पर भी जाके क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च कर सकें। पिंक टॉयलेट बनाएंगे 1,000 करोड़ रुपए की लागत से, 3,000 पिंक पुलिस स्टेशन बनाएंगे, पुलिस थाने बूथ बनाएंगे, पिंक पुलिस बूथ। यही नहीं, महिलाओं की भर्ती दुगनी करेंगे, किसमें, चाहे सर्विस सिलेक्शन कमीशन का हो या सरकारी नौकरी कोई भी हो, उसमें महिलाओं की दुगनी कर देंगे, और जितने रिक्त स्थान सरकारी नौकरी में खाली हैं उनको भरने का काम करेंगे, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में मुफ्त में कोचिंग देंगे, 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देंगे, हर ब्लॉक पर ITI खुलवाएंगे। यही नहीं, हर घर से कम एक व्यक्ति को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देंगे। आप बोलोगे कैसे देंगे, जैसे हमने पिछले 5 साल पहले कहा था 70 लाख को देंगे, लेकिन 3 करोड़ को देने का काम किया है। पिछले 5 सालों में 4 लाख करोड़ का निवेश आया, अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, हर एक्सप्रेस वे पे औद्योगिक पार्क बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पार्क बनाएंगे, 2 लेदर पार्क बनाएंगे, 6 धनवंतरी मेगा मेडिकल पार्क बनाएंगे, जहां पर सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट बनने का काम होगा,
विभाग मंडल स्तर पर हम आईटी पार्क बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें 1,47,000 करोड़ का निर्यात हुआ और 25-30 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले, अब उसको दुगना करेंगे और स्वरोजगार को भी 50 लाख से ज्यादा लेकर जाएंगे। किसान को सिंचाई का बिल पूरी तरह से माफ होगा। 57 साल पुरानी सरयू सिंचाई योजना हमने पूरी कर दी। अब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचे, उसके लिए ट्यूबवेल लगाना है, टैंक बनाना, उसके लिए भी पैसा देंगे। MSP खरीद को पहले से ज्यादा सशक्त करेंगे। गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, विलंब होगा तो ब्याज समेत होगा। अगर मछुआरों को नाव खरीदनी है तो 40% सब्सिडी मिलेगी। मछली का सीड प्लांट लगाएंगे तो 25% सब्सिडी मिलेगी। 1,000 करोड़ का भाव स्थिरता कोष बनाएंगे। आलू प्याज टमाटर जैसी फसलों को, नकदी फसलों को दाम गिरे ना, इसलिए स्थिरता देने के लिए उसका बनाया जाएगा। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन बना रहे और बढ़े, इसके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का हम साथ में प्रोजेक्ट लाएंगे ताकि दूध उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। तो समृद्ध किसान हो, सशक्त नारी हो, सक्षम युवा हो और सुगम शिक्षा के लिए हर जनपद पर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। पहले 15 थे, हमने 59 कर दिए हैं। अब हर अत्याधुनिक अस्पताल भी बनाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा को और बेहतर बनाएंगे। 1400 सीटें थी मेडिकल की, हमने 4200 कर दी, अब उसको 8400 करने जा रहे हैं। 6000 डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे, 10000 पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे। यही नहीं, एम्बुलेंस की संख्या को भी दुगना हम करने जा रहे हैं। भाइयों, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, एम्स एक नहीं, दो दो खोले, रायबरेली में भी और गोरखपुर में भी खोला। जिस गांधी परिवार के 4 पीढ़ियों को सर्वोच्च स्थान पर अवसर मिला, वो कुछ नहीं कर पाए। डिफेंस कॉरिडोर भी बुंदेलखंड और बाकी बनाने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने करने का किया है। सांस्कृतिक धरोहर काशी विश्वनाथ धाम प्राचीनतम शहर में बनाकर आधुनिक सुविधाओं के साथ दुनिया भर को देने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर का संकल्प लिया था, अगले 2 साल में पूरा करने का काम करेंगे। विंध्यवासिनी में धाम बनाने का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो सभी क्षेत्रों में सुगम शिक्षा रह गया था, उसमें मैं इतना कह दूं, कायाकल्प योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं देंगे, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, वाईफाई की सुविधा होगी। प्राथमिक स्कूलों में बेंचेस से लेकर स्मार्ट सुविधाएं वहां पर देने का काम करेंगे। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग की बात मैंने पहले कही। श्रमिकों के लिए भी 1,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड हम लोग देंगे, श्रमिक क्रेडिट कार्ड, जिसमें न्यूनतम ब्याज दर पर वो मिलेगा। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। और यही नहीं, जो अनुसूचित जाति के परिवार की बच्चियां, बच्चे बेटे बेटियां दोनों ही जो स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें कॉलेजेस में होंगी, उनका पूरा खर्चा प्रदेश की सरकार वहन करेगी। योजनाएं तो मैं सारी जितनी हमारी घोषणा है वो सब गिना सकता हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ये सब तब संभव होता है जब सुरक्षा होती है। सुरक्षा तब होती है जब अपराध कम होता है या खत्म होता है। तो गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है, इसको और दृढ़ता के साथ योगी जी की सरकार अगले 5 वर्षों में भी करेगी। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे वालों को माफ नहीं, साफ करने का काम किया है। और विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगले 5 वर्षों में सफाई अभियान चलता रहेगा। चाहे नाहिद हसन हो, यूनिस खान हो, आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, अतीक अहमद या अतीक मुख्तार अंसारी हो, इन सब का हर शाप ने देखा। और मैं तो एक बात कहूंगा आप सबसे, आप जितनी भी योजनाओं को देखोगे, हमारी अगली घोषणाएं या जो हमने किया है, इसमें एक बात निकलकर सबके सामने आती है, जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, गरीब कल्याण, गरीबों के कल्याण के लिए ही मोदी जी योगी जी की सरकार समर्पित रही। और आज आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 वर्ष भी गरीबों के कल्याण के लिए ही ये सरकार समर्पित रहेगी। मुफ्त बस सेवा हो, स्कूटी हो,
मुफ्त सिंचाई हो या रसोई गैस के सिलेंडर हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, मुफ्त टीका हो, ये किसके लिए है? ये गरीब के लिए ही है। 1,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड महिला के लिए हो या श्रमिक के लिए हो, ये किसके लिए? उनके सशक्तिकरण के लिए ही है। मुफ्त शिक्षा की बात है या प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग की बात है, ये इन गरीब बच्चों को ऊपर के स्तर तक ले जाने का ही प्रयास है। तो ज्यादा ना कहता हूं, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। क्यों राजनीति में है या नहीं? क्या उत्तर प्रदेश आने का राहुल जी का मन नहीं करता कि उत्तर प्रदेश की जनता राहुल जी को सुनना नहीं चाहती? क्या राहुल जी ने वायनाड में जाकर जो बयान उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोगों के बारे में दिया था, क्या इतना भारी पड़ा कि राहुल जी के पांव उत्तर प्रदेश नहीं पड़ रहे? सवाल ये खड़ा होता है, सोनिया जी, राहुल जी जिन्होंने इतने वर्ष उत्तर प्रदेश से चुन कर गए, आखिर वो गायब कहाँ है? क्या जवाब देने के लिए कुछ नहीं है? तो प्रियंका जी को भेज दिया है, लेकिन प्रियंका जी ने भी जो उत्तर प्रदेश के साथ किया वो ममता बनर्जी जी से ज़्यादा कम नहीं था। ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं और अखिलेश यादव जी लेने उनको सबसे पहले बुक्के लेके चले गए। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश को गुंडा कहने वाली को वो रिसीव करने जाते हैं? दाऊ जैसे आतंकियों से जमीन खरीदने वाले के पक्ष में बयान अखिलेश जी देते हैं, लेकिन बम धमाके वालों के खिलाफ न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते। रंगेश अखिलेश खेल पर कोई टिप्पणी अखिलेश जी नहीं करते। दलित की बेटी की जान जाने पर टिप्पणी अखिलेश जी नहीं करते। जेल वाले और बेल वाले पर टिप्पणी नहीं करते। तो अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है आपका वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या देश की जनता नहीं भूली है? अयोध्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सुना।